खिलाफ पंजाब पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही। पूरे पंजाब में नशे को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए पंजाब पुलिस हर जिले में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसके लिए जहां एक तरफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नशे को जड़ से खत्म करने के लिए जनता से सहयोग मांगा जा रहा है। चंडीगढ़ से पठानकोट और बठिंडा से लेकर फिरोजपुर तक हर जगह पुलिस छापेमारी कर रही है और युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान चलाकर तस्करों को पकड़ा जा रहा है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नशे के खिलाफ कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिसके तहत पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। पंजाब पुलिस की इस अहम मुहिम को अब जनता का भी साथ मिलने लगा, जिसके सकारात्मक परिणाम दिखने भी लगे। पंजाब के अलग अलग जिलों में पुलिस सीधे लोगों से संपर्क कर रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके पास नशे की खरीद या बिक्री से संबंधित कोई भी जानकारी है तो उसे पुलिस को दें। इसके लिए लोग हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर सकते हैं या फिर नजदीकी पुलिस थाने में भी शिकायत कर सकते हैं। पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए जनता से पंजाब पुलिस को पूरा समर्थन भी मिल रहा है। इस अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में ड्रग के हॉटस्पॉट तैयार किए हैं, जहां लगातार घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें समाज के सभी वर्गों के लोग पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पंजाब पुलिस ने पठानकोट में नशे की सप्लाई की चेन तोड़ी है। ये चेन जम्मू कश्मीर से पंजाब में नशा सप्लाई करती थी। पुलिस ने पिछले 6 महीनों में 22 नशा तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने टेक्निकल सपोर्ट टीम की सहायता से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस को साफ संदेश दिया है कि नशे के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसमें कोई ढील नहीं बरती जाएगी। ऐसे में पुलिस सख्ती के साथ समाज का सहयोग भी ले रही है। आपकी क्या है इस खबर पर राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।